खारे और डीजल पेट्रोल रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डबरा में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों के विरोध में साइकिल रैली भी निकाली है। और इसके अलावा बैलगाड़ी के ऊपर बाइक रखकर शहर भर में घुमाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो एक गाना चला था कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं, आज मुझे लग रहा है महंगाई महाडाइन बनकर के जनता के सामने खड़ी। 111 रुपए सबसे अधिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर तेल का कहीं दाम है, पेट्रोल का कहीं दाम है तो मध्य प्रदेश के अंदर 3 जिलों के अंदर 111 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। डीजल की कीमत 100 रुपए से ऊपर हो चुकी है। और जब आप सही मायनों में जनता के बीच में जाकर के इसको देखें तो लगभग 60 से 70% शिवराज मामा जो कंस मामा है वो और नरेंद्र मोदी, ये लोग 60 से 70% 111 रुपए में टैक्स के रूप में जनता से वसूल कर रहे हैं। अगर 111 रुपए में ये टैक्स कम कर दिए जाए तो जनता को यही तेल आज की डेट में 50 रुपए 60 रुपए का मिलेगा। एक तरफ कोरोना की महामारी में लोगों ने अपने पारिवारिक जनों को खोया, अपने घर का सारा पैसा लुटा दिया, धन गहने सब कुछ बेच करके किसी प्रकार इलाज कराया और जो बचे हैं अब उनको मारने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट उतारू है, उनके सीने में खंजर भोंक करके उनका खून चूसना चाहती है। इसी के विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ पर साइकिल रैली का आयोजन किया था और लगा जीतू राजौरिया के नेतृत्व में और हमारे विधायक जी भी साथ में, विधायक जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जन जन तक जाएगी, हस्ताक्षर अभियान चलाएगी